जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को दिव्य शक्तियों के आवाहन कार्यक्रम नवम माह की सभी को बहुत बहुत बधाई। यज्ञ बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ और आप सभी ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके लिए निस्संदेह आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत से लोग उसमें स्वयं भी सम्मिलित हुए, वह सभी भी उस पुण्य कार्य में सहभागी बने, इसके लिए वह भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। दर्शकों, इन दिनों में आप कुछ ऐसी खबरें भी सुन रहे होंगे कि अमेरिका के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसका विभाजन हो जाएगा और देश के अंदर, दुनिया के अंदर बड़ी भयानक स्थिति होगी। 33 करोड़ या 60 करोड़ लोग ही रह जाएंगे, बाकी सभी जनसंख्याएं खत्म हो जाएंगी। कई ऐसे दावे आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आज आपको एक बात यहां पर स्पष्ट तौर पर बताता हूं, प्रमाणित तौर पर बताता हूं और तथ्यों के आधार पर बताता हूं। जनसंख्या की कमी के बारे में आज तक ना तो कोई फोरकास्ट कर पाया है और ना आगे कभी कोई कर पाएगा। लेकिन बीच बीच में समय ऐसा जरूर आता है, कालखंड कुछ ऐसा जरूर आता है, जब हम इंसान ही कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं जिसके कारण से अनेकों मौतों का सिलसिला जरूर चलता है। महाभारत काल के अंदर भी जब वो युद्ध चला था तो बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, रोज हजारों सैनिक मरते थे। और उसके बाद यदुवंश का कैसे आप लोगों ने देखा होगा कि संहार हुआ, समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण का वंश कैसे समाप्त हुआ, ये सारे घटनाक्रम आपने देखे हैं। लेकिन इन सारे घटनाक्रम को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आएगी, इस धरती पर कितने लोग रहेंगे ये विधाता तय नहीं करता, ये हम तय करते हैं। यानी विधाता के लिए तो हम केवल जीवात्मा है, अनेक योनि में भटकने वाली जीवात्माएं हैं, इंसान में रहें या जानवरों में रहें, ऊपर वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा अपना चयन होता है कि हम कर्मों के आधार पर कौन सी योनि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब इंसान पशुव्रत व्यवहार करने लगता है तब जाकर के संसार में कोई मानव त्रासदी ऐसी आती है कि बहुत सारे लोगों को अपना देह छोड़ना पड़ता है, यानी कि संसार के अंदर मनुष्य योनि को छोड़ करके अनेकों योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि उनके कर्म इस तरह के हो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता है जब ईश्वर स्वयं अपनी इच्छा से ये चाहे कि वो इस धरती पर लोगों की संख्याओं को कम कर दे, क्योंकि उसने प्रकृति बनाई है, उसका एक संतुलन है। संतुलन जब तक रहेगा सृष्टि कायम रहती है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तभी उसे बैलेंस करने के लिए कुदरत अपना हस्तक्षेप करती है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के अचानक कम होने की स्थिति, तो दर्शकों ये निर्भर करेगा हमारे अपने व्यवहार पर कि जब 2025 में हम युद्ध का माहौल देखेंगे तब कौन परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करता है, कौन रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग करता है, कौन किस तरह से अपने युद्ध में भूमिका निभाएगा, ये वो तय करेंगे कि इस संसार में लोग कितने शेष रहेंगे। लेकिन दर्शकों एक बात निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर आर्थिक मंदी पूरी दुनिया पर छाएगी। 2023 के 9 माह निकल चुके हैं और इस 9 माह में दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुके हैं और आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में होगी और दिसंबर 2025 तक हम सभी आर्थिक मंदी का एक भयानक रूप देख चुके होंगे। उसके अतिरिक्त दर्शकों, अगर कोई ये कहता है कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो इस बार मैं आपको ये बात स्पष्ट तौर पर बताता हूं, इस बार सीमाएं का विघटन नहीं होगा, यानी कि देश के टुकड़े नहीं होंगे, लोगों का विभाजन होगा। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये युग परिवर्तन का है। युग परिवर्तन के अंदर सीमाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, बल्कि
लोग परिवर्तित होते हैं, लोगों की धारणाएं परिवर्तित होती है, लोगों का विभाजन होता है, दो समानांतर विचार रखने वाले लोग आमने सामने होते हैं, वार प्रतिवार होता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है, और वही तय करता है कि कौन धर्म के रास्ते पर है, कौन अधर्म के रास्ते पर है, और जो धर्म के रास्ते पर होता है विजयश्री उनका वर्ण करती है। इसीलिए दर्शकों, जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और उसके बाद के जो हालात देखे थे, तीसरे विश्व युद्ध के अंदर हालात वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, उससे बहुत अलग होंगे। इसीलिए किसी देश के टुकड़े हो जाना, उसका बट जाना ये नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया एक छत्र के नीचे आकर के एक दुनिया, एक संविधान और एक ही तरह की परंपराएं, एक ही विचारधारा, मानवता का विकास, ऐसे सूत्र 2025 के बाद इस विश्व के सामने होंगे। इसीलिए जब ग्रहों के आधार पर मैं प्रेडिक्शन देखता हूं तो यहां मुझे विचारधाराओं में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है, लोगों के धर्म विशेष की मान्यताओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन किसी की सीमाओं के अंदर मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आता है। इसीलिए दर्शकों, ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने इसलिए बनाकर रखा है ताकि मैं ज्योतिष आधार पर आप लोगों को वो आकलन दे सकूं जो वास्तविक है और जो घटित होगा। किसी देश के कितने टुकड़े हो जाएंगे, कौन कहाँ रह जाएगा, इस दुनिया की आबादी कितनी कम हो जाएगी, ये ज्योतिष का पार्ट नहीं है, क्योंकि 800 करोड़ लोगों की जन्म कुंडलियां हैं जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया है, उन सबके अपने कर्म संस्कार हैं और उनके बारे में प्रेडिक्शन कर देना ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम इनमें से बहुत से लोगों की कुंडलियों का हम अध्ययन ना कर लें, गोचर की ऐसी परिस्थिति ना बने जो कि 800 करोड़ कुंडलियों को प्रभावित करती हो, किसी बड़े नरसंहार की ओर इशारा करती हो, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और इस बार नरसंहार नहीं बल्कि बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत है, और ये तो 2018 से शुरू हो चुके हैं। इसीलिए 2018 से जो शुरू हुआ परिवर्तन है, 2025 के बाद में आपको इसके सभी परिणाम स्पष्ट तौर पर अपने सामने आते हुए नजर आ चुके होंगे। इसीलिए दर्शकों, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको कहा है कि इस बार आर्थिक महामारी रहेगी, यानी कि आर्थिक महामारी का मतलब होता है आर्थिक मंदी रहेगी और वो सबको प्रभावित करेगी, उसके रास्ते, उससे बचने के रास्ते भी हमारे पास नहीं होंगे, और विश्व एक ऐसे दोराहे पर खड़ा होगा जहां आज तक की हमारी अपनी सारी तरक्कियां हमें बौनी नजर आएगी, और वहीं से एक नए विचार का सृजन होगा कि वासुदेव कुटुंबकम, और उसमें फिर अग्रणी भूमिका भारत निभाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये एक मूल सिद्धांत है जिसे हमने लाखों वर्षों तक जिया है, और हम दुनिया को अब आगे का रास्ता यहां से दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।